मैं और विवेक अपने कॉलोनी के चैंपियन थे। मैं और भाई भी चैंपियंस थे। वाओ, ये तो बहुत सुंदर पतंग है। प्रिया को बेस्ट काइट का अवार्ड दिलवाएगी। ये दोनों मिलके जब कोई भी काम करते हैं ना, तो एकदम परफेक्ट ही करते हैं। और भाभी, प्रियू है कहाँ? तैयार हो रही है वो। मैं उसे जाके उसकी काइट दिखा के आती हूँ। प्रतीक जी, मैं प्रियू को स्कूल तो ड्रॉप कर दूंगी, पर आप पिकअप कर लीजिएगा प्लीज। आज मेरी बैक टू बैक मीटिंग्स है, मैं नहीं जा पाऊंगा। प्रतीक जी, मेरी भी डॉक्टर खन्ना के साथ अपॉइंटमेंट है और वो बहुत मुश्किल से मिली है, मैं भी नहीं जा पाऊंगी। कोई बात नहीं भाभी, आप लोग अपना काम कीजिए, मैं ले आऊंगी प्रियू को। पक्का? जी भाभी, टेंशन मत लीजिए। थैंक यू, प्रियू भी खुश हो जाएगी। रुचिता, आज मकर संक्रांति है, घर में बहुत काम होंगे, तुम पक्का प्रिया को पिक कर लोगी ना? जी भैया, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ठीक है, फिर मैं मीटिंग के लिए निकलता हूँ। जी रितु, तुम प्रिया को स्कूल छोड़ देना और रुचिता, तुम 12:30 बजे उसे पिक कर लेना। 12:30 बजे कौन सी साड़ी पहनूं, ग्रीन या ब्लू? प्रियू को स्कूल से पिकअप करने जाना है, इतना बड़ा स्कूल है, अच्छे से जाना पड़ेगा ना। वो जर्मनी वाली क्लाइंट्स की डिजाइन रेडी है ना? जर्मनी वाले क्लाइंट्स? भाई आपने तो बोला था कि प्रेजेंटेशन 2 हफ्ते बाद है। दिमाग खराब है क्या? 13 की डेडलाइन थी उनकी, साफ साफ बता कर गया था मैं। गॉड, भाई मुझे लगा कि आपने 30th बोला था। कम ऑन निहार, कंफ्यूजन थी तो क्लियर कर लेता ना। अब आज मीटिंग है उनकी, क्या बोलूं क्लाइंट्स को, कभी तो जिम्मेदारी समझ। सॉरी भाई। क्या बात है, किस बात की खुशी है ये? माँ जी, रुचि की शादी के बाद पहली मकर संक्रांति है, और जैसे मकर संक्रांति पे ठंड का अंत हो जाता है और बसंत ऋतु शुरू हो जाती है ना, वैसे ही खाटू श्याम जी महाराज करें कि हमारे रुचि के जीवन में अब बस खुशियों की बहार आ जाए। तेरे मुंह में घी शक। खाटू श्याम जी महाराज की जय। जय। आज या तो टाइम कुछ ज्यादा ही स्लो है, या मेरे हाथ कुछ ज्यादा ही तेज चल रहे हैं। मतलब मैं तैयार हो गई, खाटू श्याम जी के प्रसाद के लिए लड्डू बन गए, लेकिन अभी तक 12 नहीं बजे। पुराने सेल जो डाले हैं घड़ी में, अब तो ये घड़ी कछुए से भी धीमे चलेगी।